पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत समेत दुनिया भर में जगह जगह योग के कार्यक्रम हो रहे हैं। बता दें कि पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 का थीम क्लाइमेट एक्शन है। योग शब्द संस्कृत के युज से बना है, जिसका मतलब है जोड़ना। योग एक बेहद सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित है, जो शरीर और मस्तिष्क के बीच संतुलन लाता है। योग का शरीर, मस्तिष्क, भावना और ऊर्जा पर सकारात्मक असर पड़ता है। इस योग दिवस के मौके पर शाह सतनाम जी धाम सिरसा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योगा हमारे धर्मों की महान देन है। ध्यान से वो कुछ पाया जा सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की, और योगा शरीर को वो तंदुरुस्ती देता है जो बड़ी बड़ी दवाइयों से, बड़े बड़े रिसर्च से, साइंस के द्वारा लोग देना चाहते हैं। योगा उससे भी कहीं आगे जाके इंसान को ताजगी और तंदुरुस्ती देता है। जिस आसन में आपके सामने हम बैठे हैं, इसको सीधी भाषा में बोलें तो आसान आसन कहा जाता है, और ध्यान में बैठने के लिए ये आसन बहुत ही बढ़िया है। अगर इसका वैज्ञानिक तरीका देखा जाए तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अपर साइड पे रहता है। जब हम ध्यान में जाते हैं तो ऑक्सीजन हमारी अपर बॉडी में होने की वजह से हमारे शरीर को बहुत ताजगी देता है, बहुत तंदुरुस्ती आती है, और उसकी वजह है हमारे दिमाग में ऑक्सीजन ज्यादा असर करती है। आप आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, कभी दिमाग को भी ऑक्सीजन दी जा सकती है? जी हां, हमारे ऋषि मुनि संत पीर पैगंबरों ने, जितने भी संत महापुरुष हुए उन्होंने और उनमें से बहुत सारों ने ऑक्सीजन डायरेक्ट अपने दिमाग को दी है, और उनकी उम्र हजारों साल रही है। ये कार्यक्रम सुबह 6 बजे से 8 बजे तक चला, जहां हजारों की संख्या में युवा पीढ़ी योग करते दिखाई दिए। बच्चों ने भी योग किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से योग से जुड़ी कुछ अच्छी बातें भी बताई गई। कौन नहीं चाहता कि तंदुरुस्ती हो, कौन नहीं चाहता कि ताजगी हो, हर कोई चाहता है। और कितना आसान है तंदुरुस्ती, ताजगी, विल पावर, आत्मबल और आत्मिक शांति को हासिल करना। आप थोड़ा समय योगा और ध्यान के लिए जरूर निकालें। यह हमारी संस्कृति है जिसने हमें यह महान शक्तियां दी हैं। योगा करने से इंसान अपने आप को फिट रख सकता है। योगा करने से इंसान की शरीर की शक्ति बढ़ती है, फिटनेस बढ़ती है, और हमारे योगी जन जब योगा किया करते थे बहुत शक्ति रखते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, योगा के अभ्यास से पानी पे चल लेते थे, योगा के अभ्यास से हवा में समाधि लगाने की शक्ति होती थी उनमें। आपको फजूल की बातें लगती हैं, लेकिन आज से 50 साल पहले अगर कोई आपको यह कह देता कि ऐसे फोन आएंगे जो जेब में डाल के आप यहां भी घूमेंगे, वहीं पे वो आपकी बात करवा देंगे, क्या आप यकीन करते? कभी नहीं करते, बल्कि उनका मजाक उड़ाते कि ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज यह सच आपकी जिंदगी की बेहद जरूरत बना हुआ है, सेलफोन, मोबाइल फोन। तो इस सच्चाई को आप नहीं नकारते, तो उसी तरह
योगा में योगी जन ऐसे ऐसे आसन करती थी, दांतों तले उंगली दबाने को आदमी मजबूर हो जाता था। और योगा के साथ साथ अगर ध्यान किया जाए फिर तो कहने क्या है। प्राणायाम सबसे बेस्ट माना जाता है ध्यान के लिए। जब आप ध्यान में बैठते हो तो प्राणायाम के साथ अगर भक्ति की जाए तो सिर्फ आत्मिक नहीं, शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति भी आप हासिल करेंगे। ऐसा अनुभव होगा जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं, ऐसी खुशियां मिलेंगी, ऐसा आपका मूड अच्छा हो जाएगा कि आपने पहले इस बारे में कभी नहीं सोचा होगा। कितना बढ़िया है ना ये तरीका कि आपने मूड अच्छा करना है और उसके लिए शराब नहीं पीनी, किसी तरह का कोई ड्रग नहीं लेना, कोई नशा नहीं करना और घर परिवार छोड़ के कहीं जंगलों उजाड़ों में नहीं जाना। आप अपने घर में रहते हुए योगासन कर सकते हैं और उसके साथ साथ ध्यान कीजिए। और जब आप ध्यान करेंगे तो आपकी आत्मा को एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई शक्ति मिलेगी और उस शक्ति से आपको तंदुरुस्ती ताजगी तो मिलेगी मिलेगी, बल्कि आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्राणायाम के साथ अगर आप राम का नाम लें, ईश्वर की भक्ति करें, गुरु मंत्र का जाप करें, तो यकीन मानिए बेइंतहा तरक्की हासिल करेंगे आप तंदुरुस्ती में, व्यापार में, मानसिक शांति में और खुशियों का बेहद इजाफा होगा, खुशियां बढ़ती जाएंगी। ध्यान के साथ जो प्राणायाम किया जाता है यानी ध्यान प्लस योगा, वो आपको थोड़ा सा हम करके बताना चाहेंगे। ध्यान प्लस योगा, उसके लिए प्राणायाम जो करना है आप थोड़ा सीधा बैठे और अपने नाक से श्वास खींचिए। श्वास खींचते समय आपका ध्यान दोनों आंखों के बीच में जरूर स्थिर होना चाहिए, ये जगह। इसको तीसरा नेत्र, हिंदू और सिख धर्म में तीसरा नेत्र, दसवां द्वार, ज्ञान चक्षु या तिल कहा जाता है और इसी को इस्लाम धर्म में मेहराब कहा जाता है, वेरी वेरी डीप स्लीप पॉइंट। तो यहां ध्यान रखिए, सीधे आप बैठे हैं उस गुरु मंत्र का जाप करते हुए जो आपके गुरु ने तपस्या करके हासिल किया, उनके गुरुदेव ने उनको सिखाया, उस गुरु मंत्र का जाप करते हुए आप श्वास अंदर भर लीजिए। तो वो तरीका हम आपको करके दिखाना चाहते हैं, इससे क्या क्या होता है और क्या क्या हुआ है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली लाखों करोड़ों लोगों में ऐसा करवा के देखा है और इसका रिजल्ट 100% आता है। पहले आप बैठ गए, सीधे बैठे हैं और अपने अंदर श्वास भरिए नाक के द्वारा सर्वश्रेष्ठ, इस तरह और रोक लीजिए, गुरु मंत्र का जाप अंदर ही अंदर कीजिए और करते करते आप श्वास को छोड़ते जाइए, अंदर से श्वास चलता जाए छोड़ते जाइए और फिर लास्ट में पूरा श्वास अंदर से निकाल दीजिए विदाउट एयर, बिना प्राण वायु के। लेकिन ध्यान रहे, जब श्वास अंदर नहीं है
गुरु मंत्र का जाप यानी ध्यान से रुकना नहीं है। गुरु मंत्र का जाप लगातार होता रहना चाहिए। आपको करके दिखाते हैं पूरा ये तरीका, जिसे एक श्वास प्राणायाम का कहा जाता है। पहले श्वास अंदर भरा, होल्ड, छोड़ते जाना, अंदर श्वास नहीं, बिना श्वास के रुकना है। और फिर श्वास अंदर भरना है। तो ये एक श्वास हुआ कि बिना श्वास के रुकना तक, ऐसा अगर आप करते हैं तो क्या होता है? हमने 6 करोड़ लोगों में ऐसा अजमा के देखा, नशा छूट जाता है। ऐसे ऐसे प्लेयर जो आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा करके देखा, चाहे वो क्रिकेट हो, मुक्केबाजी हो, या स्विमिंग हो, वॉलीबॉल, जूडो, योगा, वहां की लड़कियां 5 बार योगा वर्ल्ड कप में लगभग 30-35 गोल्ड मेडल जीत के लाई हैं। और यही नहीं, थ्रोबॉल और इसी तरह रोलर स्केटिंग हॉकी चैंपियनशिप जीत के लाए। ऐसे ऐसे लोगों पे अजमाया जिनको अस्थमा था, जो इनहेलर लिया करते थे, सिर्फ 15 दिन ऐसा करने से उनका इनहेलर छूट गया। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी मेमोरी पावर वीक है, याददाश्त शक्ति कमजोर है, तो आप गुरु मंत्र का जाप इस तरह से कीजिए, यानी गुरु मंत्र प्राणायाम के साथ करके देखिए। आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ती जाएगी और बहुत अच्छे अंक आप हासिल कर पाएंगे। यह हमने अजमा के देखा है, बच्चों ने करके देखा है, रिजल्ट 100% आया। यही नहीं बल्कि बहुत सारी श्वास की बीमारियां चली गई, इंसान के अंदर बड़ी शक्ति आई। और अगर आप प्लेयर हैं तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद। कुछ भी वार्म अप करने से पहले जब आप बॉडी को गर्म करते हैं, दूसरे शब्दों में गेम के लिए तैयार होते हैं, तो उस समय आप प्राणायाम के साथ यह भक्ति कीजिए, गुरु मंत्र का जाप कीजिए। सिर्फ 25 श्वास कम से कम, ज्यादा आप जितना मर्जी। तो आप जब श्वास नहीं लेते तो आपकी जो बॉडी है, आपका पूरा शरीर, आत्मा और जिंदगी जीने के लिए छटपटाती है, और शरीर जिंदगी हासिल करने के लिए जितना छटपटाता है उतना ही पावरफुल होता है। जितनी आत्मा व्याकुल होती है कि मुझे ऑक्सीजन मिले, उतनी ही उसमें आत्म शक्ति आती है। आप खिलाड़ी हैं तो जब गेम खेलेंगे तो घबराएंगे नहीं। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो जब पेपर आएंगे आपका मुंह नहीं लटकेगा, क्योंकि आपके अंदर आत्मबल आएगा। जब हम प्राणवायु नहीं लेते तो शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है, शरीर की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि इंसान को सहने की आदत बन जाती है, यानी वो टेंशन में नहीं आता जल्दी से। तो ये तो योगा का एक आसन बताया है, वो वाला जो ध्यान में काम आता है। योगा के और बहुत से आसन हैं जो आपका बहुत फायदा करेंगे।